वो इंसान जो 5,000 सालों से जिंदा है, जिसके जख्म 5,000 सालों से लेकर अब तक हरे हैं, जो लोगों से छिपता है और कभी-कभी लोगों से अपने जख्मों पर लगाने के लिए मरहम के तौर पर हल्दी और तेल भी मांगता है। कौन है ये इंसान और क्यों मांग रहा है और क्यों भोग रहा है 5,000 सालों से इस तरह का जीवन? कई लोगों ने इन्हें देखा है और दावा किया है कि इनके शरीर में कई घाव हैं जिनमें से खून निकलता रहता है। ऐसा दावा किया जाता है कि ये शख्स महाभारत काल से जीवित अश्वत्थामा है, जिन्हें कई लोगों ने देखा है। और ये भी दावा किया जाता है कि जिन्होंने भी इन्हें देखा है वो या तो मर जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं या फिर उन्हें लकवा मार जाता है। अश्वत्थामा के अस्तित्व के जहाँ पर तथ्य मिले हैं वो जगह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है असीरगढ़ किला। ये किला सातपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित, जो समुद्र तल से 750 फीट की ऊंचाई पर है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ये इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत के युद्ध में इन्होंने पांडवों को लगभग हरा ही दिया था। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। इन दोनों बाप बेटों की जोड़ी इतनी शक्तिशाली थी कि इन्हें युद्ध भूमि में हराना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण पांडवों की हार निश्चित थी। मगर पांडवों के साथ थे श्री कृष्ण, जो ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, और जैसे ही इस हाथी की मृत्यु हुई, बस उसी समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के जरिए ये खबर पूरी युद्ध भूमि में फैला दी। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य विचलित हो गए और युद्ध भूमि में बैठकर रोने लगे। इस दौरान वो अपने अस्त्र शस्त्र भी छोड़ देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए पांडवों के खेमे में दुष्ट दमने ने गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर डाला और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर अश्वत्थामा तक पहुंची, अश्वत्थामा गुस्से में आग बबूला हो गया, जिसके बाद उसे बस अब किसी भी हालत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। गुरु द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात का सहारा लिया। उसने रात होते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर को सुनने के बाद अर्जुन अपना आपा खो देता है और वो अश्वत्थामा का पीछा करता है। के आसपास कई बार अश्वत्थामा को भटकते देखा गया है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच है, क्योंकि अश्वत्थामा के जीवित होने के तथ्य भी मिले हैं। असीरगढ़ किले में एक शिव मंदिर भी है, और दावा किया जाता है कि इस मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव की सबसे पहली पूजा अश्वत्थामा ही करते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। ये तब पता चला जब इस मंदिर में सुबह की पूजा करने गए पंडित जी ने देखा कि शिवलिंग की तो पहले से ही किसी के द्वारा पूजा की जा चुकी है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले अश्वत्थामा किले में स्थित तालाब में स्नान करके पूजा अर्चना करने जाते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।